वेल, करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश का फिल्म फेयर मिडल ईस्ट वाला इंटरव्यू अब बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। मैं आपको बता दूं, दोनों का कंबाइन इंटरव्यू हुआ है और इस इंटरव्यू का इंतज़ार उनके फैंस को था, तेजरन फैम को था, तेजरन के फैंस को था। और देखिए, जब ये इंटरव्यू रिलीज़ हुआ है, अब रिलीज़ हुए हालांकि एक दो दिन हो गए हैं, लेकिन आपको बता दूं कि अब ये इंटरव्यू बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है बहुत सारे कारणों की वजह से। पहला कारण, इस इंटरव्यू में दोनों की शादी को लेकर बातचीत की गई। फिर दूसरा कारण, इस इंटरव्यू में तेजस्वी प्रकाश ने एक ऐसा खुलासा किया है अबाउट हर नेक्स्ट प्रोजेक्ट, जो बहुत ही बड़ा, एक आप कह सकते हो कि बहुत बड़ा तोहफा है तेजस्वी प्रकाश के फैंस के लिए और तेजरन के फैंस के लिए भी। देखिए क्या कुछ कहा है। साथ ही साथ इस इंटरव्यू में दोनों ने एक दूसरे के बारे में भी बहुत सारी बातें कही हैं। चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा है दोनों ने एक दूसरे के बारे में। बॉलीवुड में एंट्री को लेकर भी तेजस्वी प्रकाश ने कहा है और साथ ही साथ दोनों की शादी को लेकर भी दोनों ने बात की है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ हिमांशु सोनी, जर्नलिस्ट। हिमांशु सोनी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तेजस्वी और करण का इंटरव्यू फिल्म फेयर मिडल ईस्ट वाला बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। आपको बता दूँ, रिसेंटली फिल्म फेयर के कवर पेज पर, फ्रंट पेज पर भी दोनों नज़र आए हैं। ये दोनों का पहला इंटरनेशनल फ़ोटोशूट रहा फॉर अ मैगज़ीन। बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है ये तेजरन फैंस के लिए वैसे ही। सेकेंडली, इस इंटरव्यू में करण ने बात की तेजस्वी प्रकाश के बारे में कि तेजस्वी प्रकाश ज़्यादा स्मार्ट हैं जब व्हेन इट कम्स टू टेकिंग मतलब एनी डिसीजन और कुछ भी लाइफ में होता है, तो तेजस्वी प्रकाश ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं और मैं थोड़ा सा ड्रीमी हूँ। जबकि तेजस्वी ने कहा कि करण एक सीरियसनेस लेकर आते हैं, करण ज़्यादातर मेरे फ़ैसलों में मेरी मदद करते हैं और मेरे जितने भी फैसले होते हैं उनमें से ज़्यादातर करण कुंद्रा ही लेते हैं। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा एक स्वीट बात है एक स्वीट कपल के लिए। उसके बाद दोनों की शादी को लेकर चर्चा हुई। देखिए, उन्होंने कहा कि कभी हमें टाइम ही नहीं मिला। बिग बॉस के बाद लगातार तेजस्वी प्रकाश नागिन के शूट में बिज़ी थी और उसके बाद वो फिर लगातार बिज़ी रहीं, तो इस वजह से दोनों को कभी टाइम ही नहीं मिल पाया। और इस वजह से, इस चक्कर में देखिए, दोनों मतलब शादी के जैसे फैसले को लेकर अभी भी होल्ड पे रखा हुआ है दोनों ने, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्कशंस हुए बट किसी भी फैसले पर दोनों नहीं आए। देन बॉलीवुड में एंट्री को लेकर तेजस्वी ने कहा कि मैं अब बॉलीवुड में एंट्री करना चाहती हूँ, क्योंकि अब मैं ऑफर्स तो बहुत सारे हैं मेरे पास प्रोजेक्ट के लिए नेक्स्ट, लेकिन मैं जब तक एक अच्छी बॉलीवुड स्क्रिप्ट नहीं आएगी और जब तक एक बॉलीवुड में एंट्री कि रास्ते नहीं खुलेंगे, तब तक मैं कुछ फ़ैसला नहीं ले सकती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, लेकिन देखते हैं अब कब वो हो पाता है। बहरहाल, इस इंटरव्यू ने तहलका मचा दिया है। आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा वायरल है और इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, विच इज़ जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। नमस्कार।